हे द अलावीज हाउ आर यू ऑल अ वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल काइज आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड ये बहुत ब्यूटिफुल है आज हुआ मेरे साथ ये आज सुबह ही हुआ मतलब मैं बोलूँगी मुझे रोना ना आ जाए बट स्टिल आई एम वेरी 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 हैप्पी रिलेटेड टू दिस मतलब मैं आपको सब बताने वाली हूँ कैसे हुआ क्या हुआ मैंने क्या करा एंड मैंने इसमें इतना पेशेंस रखा है ना कि सिर्फ मैं जानती हूँ एंड ये कोविड के टाइम पे चीज़ हुई है सो यू नो और पेशेंस की मुझे ज़रूरत थी एंड मैंने उसको कैसे करा है आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ वेल well, जो लोग इस स्टैंड पर पहली बार आए हैं नमस्ते मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है एंड मैं स्टैंड पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पिचुलय रेमिडीज एंजल नंबर स्विचवर्स मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ पर वीडियोज़ So, नी स्टार्ट करी थी एंड आई हैड नो सपोर्ट मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा था मेरे से फैमिली वालों ने एक दो फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा दिल से सपोर्ट करा एंड uh, लेकिन फिर भी मैंने उस जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली करा पूरा मैंने अक्टूबर निकाला एंड बस वेट करती थी कि मेरा चैनल कब ज़्यादा मोनिटाइज हो जाए कब मैं यू you नो know, मेरे ज, मेरे वीडियोज़ पर एड्स आई यूज़ टू वेट कि कब मेरे साथ ऐसा होगा एंड अप्रैल uh, में मेरा बर्थडे था थर्ड थर्ड ऑफ अप्रैल में मेरा बर्थडे था एंड मेरी बस यही विश थी गॉड से कि मुझे मैं आई रियली बॉन्ड कि मेरे बर्थडे पे मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाए लेकिन जो वॉच टाइम होता है हमारे वीडियो का वो बहुत मुश्किल होता है बढ़ाना बहुत सारे यूट्यूब पर चीज़ें डलने हैं कि पैसे दे दो बढ़ जाएंगे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे वॉच टाइम बढ़ जाएगा मेरे पास भी बहुत ऑफर्स आए थे तो लोगों ने बोला था कि इतना मनी दे दो और आपके व्यूज़ बढ़ा देंगे ये सब बढ़ा देंगे लेकिन मैंने सबको मना करके रखा था मैंने कहा नहीं यार जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ तो मैं अपने दम से आगे बढ़ूंगी मुझे किसी को ना पैसा देना है ना मुझे कुछ करना है देखना है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है कितना स्ट्रगल लगता है एंड इसमें बहुत स्ट्रगल लगा सब्सक्राइबर्स भी बड़े धीरे धीरे बड़े पहले एक दो महीने में कुछ नहीं हुआ था धीरे धीरे बढ़ते गए आप सब लोग ने बहुत सारा प्यार दिया सपोर्ट दिया एंड सो बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट हुई मार्च में मार्च में इट वॉज ट्वेंटी टू मार्च एंड uh, मैं चाहती थी मेरा बर्थडे आने वाला है बस ये होती थी गॉड मेरा बस चैनल मोनिटाइज कर दो मुझे बस मेरा चैनल मोनिटाइज करवाना है एंड बस मेरे बर्थडे पर हो जाए मैं बस यही विश करती थी एंड लकीली मेरे मेरे बर्थडे वाले दिन तो नहीं फोर्थ ऑफ अप्रैल को मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया एंड फिर उसके बाद एड्स आने लग गए लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होनी थी कि मेरा जो अकाउंट है गूगल एडसेंस अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हो रहा था कि वेरीफाई एड्रेस मानता है ना तो वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा था एंड उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो लग रही थी तो मैंने एट्थ ऑफ अप्रैल को नाइन्थ अप्रैल टेंथ अप्रैल मैंने तीन दिन पूरी जान लगा दी कि बस वेरीफाई हो जाए वेरीफाई हो जाए वेरीफाई हो जाए एंड बिल्कुल वेरीफाई नहीं हो रहा था मैं पागल हो गई थी मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी हर एक से पूछ लिया था लेकिन वो चीज़ हो ही नहीं रही थी मैंने कहा मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैंने बोला यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी मुझे गाइड करो मुझे क्या करना चाहिए पता नहीं मेरा माइंड को क्या हुआ कि मैंने उस चीज़ को करना छोड़ दिया और मैं सिर्फ रोज रोज़ व्हाट इफ़ टेक्निक करती थी व्हाट इफ़ टेक्निक में यही बोलती थी दैट व्हाट इफ़ यूनिवर्स मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड हो जाए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस मैं व्हाट इफ़ टेक्निक रोज़ बोलती थी लेकिन जहाँ वेरीफाई होना था वहाँ पे लिखा आ गया था कि ड्यू टू कोविड अभी बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है तो हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन है उसमें एक दो महीने लग जाए और ये देख के मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी हैप्पी तो थी क्योंकि यू नो चैनल मोनिटाइज़ हो गया था एंड बहुत बड़ी बात है मेरे लिए लोग सोचते होंगे ना मोनिटाइज़ हुआ है आम बात है लेकिन मेरे को पता है कितने लोगों ने सपोर्ट करा कितने लोगों ने मेरा साथ दिया इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो फिर उसके बाद हुआ यूँ कि वहाँ से मैसेज आ गया था कि एक दो महीने लग जाएंगे आपका चैनल वेरीफाइड होने में क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है एंड मोस्टली हर जगह लॉकडाउन लगा है यहाँ एम में तो थर्टीन ऑफ अप्रैल से या फिफ्टीन अप्रैल से लॉकडाउन लगा है स्टिल अभी भी लॉकडाउन है यहाँ पे एंड मुझे लग रहा था कि यार लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है पहले खुलने वाला था थर्टी लेकिन अब छः तारीख हो गई फिर अब दस तारीख होगी गई दस मई दस में हो गया मैंने कहा यार मैं क्या करूँ बट मैं चाहती हूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए एंड सडनली बस मैंने कहा यार कोई बात नहीं हो जाएगा लेकिन मैं वॉट इफ़ टेक्निक करती रही करती रही करती रही मैंने उसको करना नहीं छोड़ा एंड मैंने उसको इतने नए तरीके से करा यू वोंट बिलीव मी कल मैंने बस उसको करा मैंने मैं पता है जो टेक्निक्स करती हूँ ना उसमें भी कुछ न्यू न्यू चीज़ें निकाल लेती हूँ ताकि उसको करने में और मजा आ जाए क्योंकि जितनी बॉडी की वाइब्रेशन ज़्यादा रहेगी जितना हम एक्साइटेड रहेंगे उतना यू you नो know, हमें हैप्पीनेस हाँ फील होगा तो फिर मैंने बहुत यूट्यूब पे सर्च करा जो लोग यू नो यूट्यूब के बारे में बताते हैं कि ऐसा आता है ये आता है तो वहाँ पे लिखा था कि कोविड का टाइम है तो टाइम लग जाएगा एक दो महीने लग जाएंगे तो मैंने पूरी होप छोड़ दी थी लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इफ टेक्निक करती थी और बिलीव रखती थी कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा एंड uh, आज सुबह जब मैं यू नो आई वॉज टेकिंग बात एंड बात होने के बाद मैं अपना यू you नो know, पूजा वूजा रिचुअल कर रही थी एंड सडनली एंड सडनली Uh, कोई मैंने तो देखा नहीं वो कौन था कौन आया पापा मेरे बाहर बैठे थे भैया मेरा बड़ा भाई भी बाहर बैठा था एंड मम्मी वॉज बिजी इन डूइंग सम वर्क एंड मैं भी अपना कुछ काम कर रही थी तो उनने नॉक करा घर में बेल बजाया एंड ही शाउटेड ऋतिका गुप्ता एंड uh, मैं तो बस ऐसी होने लगी मैंने कहा आई यू सीरियस ये कैसे हो गया मतलब दो महीने का पेंडिंग था एंड एकदम से चीज़ कैसे हो गई आई एम सो सॉरी बट यू नो इट इज़ अनबिलीवेबल क्योंकि ये बहुत बहुत मुश्किल है क्योंकि ज जो स्ट्रगल करते हैं ना उनको ये चीज़ दिखती है सामने वाला को तो लगता है रे वीडियो बना रही है बना दो बना दो एंड uh, उसके बाद uh, उनने सिग्नेचर विग्नेचर करा मेरे पापा ने मैं अंदर कुछ बिजी थी कुछ काम करी थी अपना तो उनने बोला कि साइन कर दीजिए इतने में मेरा भाई मेरे रूम में आया ही वॉज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस मैंने कहा क्यों क्या हो गया एकदम से तो ही शोड मी द एट मतलब मतलब उन लोगों ने भेजा मुझे दिस इज द एट सो दिस इज़ द गूगल आइट दिस इज़ द गूगल आइटसेंस जो आज आया एंड आई वॉज सो हैप्पी मैं बस अंदर ही अंदर आई डोंट मैं किसी के सामने आई डोंट फील लिया कि उनको रोके दिखाऊँ या क्या करके दिखाऊँ एंड मैं अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी सो दिस वॉज सो दिस इज़ माई गूगल आइटसेंस एंड ये आ गया खैर मुझे दिखाना नहीं चाहिए बट आई एम वेरी हैप्पी इसलिए मैंने कहा दिखा देती हूँ सो दिस इज़ माई गूगल एडसेंस एंड मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी कि यार आ गया नाओ अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया स्टार्टेड कॉलिंग माई फ्रेंड्स मैंने उनको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ मम्मी पापा वॉज वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी हैप्पी करेंटली मेरा बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरे हाथ में एडसेंस का वो आया मेरे भाई ने जब मुझे दिया आई वॉज लाइक थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू सो मच दो महीने तो लग रहे थे लेकिन आपने उसको इतनी जल्दी करा दिया एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल मेरे लिए ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा यू नो है बट मैं क्या बोलूँ हैव टू मुझे मानना ही पड़ेगा कि वो चीज़ होगी भी लग रहा है कि नहीं हुआ है देन मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई करा एंड फाइनली मेरा एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड हो गया आई एम वेरी हैप्पी एडसेंस अकाउंट वेरीफाइड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप गूगल अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं एंड मैंने वाटर टेक्निक को इतने ब्यूटिफुल करा है इस पर कल वीडियो ला रही हूँ कैसे कराए ताकि आप भी ये टेक्निक करें आपकी लाइफ में मेराकल्स हो जाएंगे सीरियसली इसको रोज़ करो एंड मैंने इसको बस मैं सिर्फ वॉटिव टेक्निक बोलती थी लेकिन कल ही एकदम से मन हुआ एकदम से लगा कि यार कब होगा कब होगा यू नो वो वेट नहीं हो पाता तो मैंने लिखना शुरू कर दिया एंड मैंने ऐसे लिखा कि आज मेरे पास ये एडसेंस एक्सेंस आई आ लाइक सीरियसली दिस हेड है सै आईम गोइंग टू शेयर टुमारो दिस इज माई ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी एव शोन यू द प्रूव एज वेल एंड एम वेरी 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 हैप्पी सॉरी मैं रोंगी नहीं आई हैव कंट्रोल्ड एंड थैंक यू सो मच एवरी वन जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं सीरियसली यार मेरी फैमिली के अलावा एंड मेरे एक दो फ्रेंड्स के अलावा हैव नो वन हुए एज सपोर्टिंग मी इन दिस जर्नी बट भगवान है यूनिवर्स है लोगों से बड़े यूनिवर्स होते हैं हर जगह यूनिवर्स से सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच एवरी वन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स प्लीज़ मेरी तरफ से यूनिवर्स कमेंट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर लिखना लव यू ऑल एंड कल इस वॉटिव टेक्निक को ला रही हूँ देखना बिल्कुल मत भूलना